कौन कितना ईमानदार है मनप्रीत बादल साहब, ये पंजाब की जनता बहुत चंगे तरीके और कित्थे कित्थे केड़ा केड़ा टैक्स सीगा ये पंजाब के लोग जानते ने बादल साहब, वो तुहानू 64,000 जाने की पंजाब च दूजा नंबर तुहाडा सीगा विधानसभा की चोण हारन दे विच पंजाब दे खजाना मन कि तुसी किसे नू दफ्तर विच चाह भी नहीं पिओंदे सी, तुसी लिख के लाया विया सीगा कि पंजाब दा मैं खजाना बचाउणा है। सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब अज विजिलेंस दे पेश होए सन ते उसे अंदाज दे विच जिवें ओ कविता दे राही आपदियां मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुना के लोगां नूं उन्हां दा चित बहलाउण दा काम करदे सन, उसे तरह दी अज उन्हां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती। और वैसे तो मैं मेरे को समा नहीं है किसी व्यक्ति दे बारे और खास करके सरदार मनप्रीत सिंह बादल दी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जा उन्हां दा कोई गल सुना, लेकिन मजबूरन तौर ते अज वो सुननी पई क्योंकि किसी ने मैनू लिंक भेजिया ते उहदे च क्या गया सीगा उहदे च मेरे ते टिप्पा टिप्पणी मनप्रीत सिंह बादल हुरां ने कीती। बहुत सारियां गल्लां कहियां मनप्रीत सिंह बादल हुरां ने, क्या कि मैं तो सरकारी कदे गड्डी ते चढ़िया ही नहीं ते ना ही मैं कदे गनमैन रखे, टोल भी मैं आपदा जेब चो दिंदा सीगा ते मैं होटल दे विच भी आपदे पैसे ना ठहरदा सीगा। कौन कितना ईमानदार है मनप्रीत बादल साहब, ये पंजाब दी जनता बहुत चंगे तरीके ना जानती है और कित्थे कित्थे केड़ा केड़ा टैक्स सीगा ये पंजाब दे लोग जानते ने बादल साहब के, खास करके बठिंडा ते गिदड़बा दे लोग तो जानते ही ने कि बंदा किस फिदरत दा किस तबीयत दा मालिक हैगा। इसे करके इस बार रिकॉर्ड जेड़ी हार है वो तुहानू 64,000 जाने की पंजाब च दूजा नंबर तुहाडा सीगा विधानसभा की चोण हारन दे विच पंजाब दे खजाना मंत्री का, और काफी वड्डा रोल थोड़ा रहा कि पंजाब दे विचों कांग्रेस पार्टी नू उलांभे करन दा, इहदे च भी थोड़ा काफी वड्डा योगदान रहा क्योंकि कहिंदे तुसी कुछ होर सी करदे तुसी कुछ होर सी, ऐ तां तुसी इक गल होर नहीं कही कि तुसी किसे नू दफ्तर विच चाह भी नहीं पिओंदे सी, तुसी लिख के लाया विया सीगा कि पंजाब दा मैं खजाना बचाउणा है इस करके मैं चाह नहीं पिया सकदा। याद होवे अज तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चो गल कहनी भुल गए किन्ना चिंतित व्यक्ति जिन्हों पंजाब दे खजाने दा किन्ना फिकर सीगा। पर ये भी गल सच है कि केड़े केड़े ठेके बठिंडे च होए ते किद्दां किद्दां होए वो शहर दे हर व्यक्ति जानदा। चलो मैं इस गल ते क्योंकि ना तो मेरी शिकायत है ना मैं शिकायत कीती है, एक ही पार्टी दे दोवें जिहड़े व्यक्ति है दोनों भाजपा च दे तुसी इकट्ठे व्यक्ति हो उन्होंने तुहाडे खिलाफ शिकायत कीती, मैं तां कीती नहीं है तुहाडे, हालांकि तुसी कहानी नूं ट्विस्ट करके राजे वड़िंग दा नां लैके कहानी ट्विस्ट करना चाहुंदे हो। मैनूं याद है जदों कोठियां मिलियां ते तुसी सब तों अलीशान कोठी, तुहाडी कोठी 3 सैक्टर दे विच है मगरले पासे मुख्यमंत्री दे, ते तुसी किस तरह पंजाब दे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नूं लेलड़ियां कढ के कोठी लई सी, मैनूं उस वेले दे ऑफिसर साहिबाना ने दस्या कि मैं कोठी आ ही लैनी है इत्थे मेरा दिल धड़कदा है, हालांकि 2 कदम दूर ते तुहाडी कोठी सीगी प्राइवेट कोठी, लेकिन तुसी सरकारी कोठी च आ गए क्योंकि वह कोठी मजीठिया साहब ने अलीशान तैयार ही कराई सी, बहुत पैसे लगे सन ते उहदे विच तुहानू पैसा ना लाउणा पवे तां जो मीडिया दे विच इह गल ना जावे कि तुसी उहदे ते खर्च बहुत कीता क्योंकि तुसी जमांदरू चलाक तां सीगे मनप्रीत बादल साहब काफ़ी पहलां तों क्योंकि तुहानू गुड़ती ऐसी मिली है बहुत चलाक सीगे, फिर तुसी उह कोठी लई
आपकी कोठी तुसी किराए ते देती जनाब, जो तुसी सरकारी गड्डी नहीं लई जनाब, जो सरकारी तुसी कहने है मैं होटल च नहीं रहा जनाब, तो फिर तुसी सरकारी कोठी च क्यों रहन लगे जनाब? फिर थानू पता है जनाब कि 36 AC परवाना साहब अज चले गए अजीत दे वरिष्ठ पत्रकार सन, उन्होंने कहा कि मनप्रीत बादल चाह तो पिंदा नहीं है, खजाने ते बोझ पैंदा, लेकिन कोठी दे अंदर 36 AC लगे ने जनाब। ये अजीत अखबार दे वड्डी खबर सीगी जनाब।